मुद्दे पर आओ, सुनी ना मुद्दे पे। पहला पार्सल है जो पाकिस्तान से चल के आया है। सोच रहे होंगे कहाँ से आया है, गेस कर रहे होंगे मामा ने भेजा है, कहाँ किसने भेजा है। हमने ना आपका एक नया रूप देखा है। आप थोड़ी देर वेट करें, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बचपन ही आ रहा है। चलो जी लाओ 20 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक पार्सल है जो पाकिस्तान से आया समीना के लिए। कहां से आया है, क्या आया है, वो भी जाते हैं अभी लेके आते हैं क्योंकि डिलीवर नहीं हुआ हमें, हम बाहर गए हुए थे कहीं, तो पार्सल जो है ना वो चला गया स्टेशन में जो जहां से हम पिक करेंगे खुद जाके, तो वहां से लेके आते हैं। और इसके अलावा हमने जाना है डॉक्टर के पास मेरे चेकअप के लिए क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो काफी महीनों से मैंने अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई थी, अभी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप बड़े चमकते हैं इस फोन में। बस फिर जो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं बस। लास्ट वीडियो में आपने बिलाल को बहुत दुआएं दी और बहुत पसंद किया, आप ज्यादा ब्लॉग में आया करें। आप नहीं, मैं आते ही हूँ जाहिर है, मतलब घर में ऐसा होता है ना कि ज्यादा किचन का तो फिर उसमें मुझे आना पड़ जाता है, तो लेकिन आप भी ज्यादा मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने देखा ना कि बिलाल ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ, मैंने कहा वाह बिलाल कमाल कर दिया आपने। तो बस समीना को इन चीजों का पता है कि डॉक्टर का चेक कर पाए, तो मुझे साथ जाना पड़ेगा। मैं ट्रांसलेटर है ना मेरी, क्योंकि जर्मन ज्यादा आती है उनको, इंग्लिश कम आती है, और मुझे इंग्लिश इतनी भी ज्यादा नहीं आती कि मैं पूरा प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं ना मतलब उनको आती है इंग्लिश, लेकिन जो रिसेप्शन वाले होते हैं ना उनको नहीं आती, वो बड़े मतलब होते हैं पहले। हाँ बिल्कुल, पहले आप रिसेप्शन में जाते हो तो आपको अंदर पर्ची बना के देते हैं, वो मतलब दे चेक कर लेंगे बिलाल के कार्ड पे। अब तो मतलब आपको पता है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, उनको पता है ऑलरेडी बिलाल की अपॉइंटमेंट 5:30 की अपॉइंटमेंट है, निकलते हैं क्योंकि मैंने शाम की उनको बोला था शाम की, थे हम सुबह सुबह नहीं आ सकते, हालांकि सुबह भी अनफा किया हमने जाना है। हाँ, अब अपॉइंटमेंट चलती आ रही है, एक पूरा हफ्ता यही है। इस पूरे हफ्ते में ना हमारी अपॉइंटमेंट है, कभी कहीं जाना है, कभी किसी ऑफिस में जाना है, बिलाल से शुरू होता है। चलें जी आज शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि बिलाल की हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे बिलाल का चेकअप वगैरह होना चाहिए। दांतों की भी अपॉइंटमेंट है, बहुत लोगों ने पूछा है कि दांतों वाली जगह पे नहीं जा रहे। आप लोग अक्सर सोचते हैं हाय सब कुछ फ्री होता है बाहर बड़ा अच्छा, लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि आपको कई कई महीनों से सालों से अपॉइंटमेंट लेके रखनी पड़ती है। और एक ये भी बात है कि एक बंदा मेहनत कर रहा होता है फिर उस पे आपको सबको मतलब फैमिली को बिल्कुल, अगर एक बंदा भी जॉब करता है ना तो उसके सारे बच्चे हैं, बीवी हस्बैंड जो भी है पूरी फैमिली को बेनिफिट देते हैं। अच्छा अब ये है कि जो इनकी है ना आप दांतों की, वो दिसंबर के शुरू में है, और अभी ये जो रेगुलर चेकअप नहीं होता जैसे कोई भी मतलब इनको मसला है बिलाल को कहीं पे भी, तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर अगर एकदम से कोई मसला हो ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई पकड़ता नहीं डॉक्टर, इसलिए आपको रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है, करवाना चाहिए। ये खुद नहीं पूछते आपसे कि आप आओ, वो तब पूछते हैं जब आप 40-45 के हो, बड़ी उम्र के हो। तो मैंने कहा आप पैसे दे रहे हैं फायदा उठाते हैं, चलते हैं अपॉइंटमेंट जाके तो करते हैं ना। बिल्कुल चले फिर निकले, निकले आज। रेडी हो चुकी हूँ जी मैं भी, और अब ना टाइम थोड़ा रह गया डॉक्टर के पास जाके, फिर आपको मिलते हैं, फिर देखते हैं उसने आगे क्या रिकमेंडेशन वगैरह देगा। वो पहला पार्सल है जो पाकिस्तान से चल के आया है मेरे लिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया है, गेस कर रहे होंगे मामा ने भेजा है, कहाँ किसने भेजा है, तो बस आप लोग थोड़ी देर वेट करें, आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्या आया पार्सल में, मुझे खुद नहीं पता। हाँ चलते हैं, चले फिर चलो आज। माँ छिटके मामा छिटके जाए, मामा की जान इधर तो देख लो, आपने तो लास्ट वीडियो में बड़ी प्यारी बात, ये देखें जी अनफा जो है ना हमारी गिर गई थी और इसको यहाँ पे होंठ पे चोट लग गई है, इधर बस थोड़ी देर में ऐसे हुई हूँ आगे और बैठी बैठी जमीन पे गिर गई, मतलब चलना सीख रही है ना, चलती जो है क्रॉल करती करती गिर गई। बस आप लोग इसके लिए दुआ करिएगा, मुझे तो मेरे दिल को कुछ हो गया क्योंकि आज तक अनफा जो है ना ऐसे, इतनी हम इसकी केयर करते हैं ना, बच्चे तो नॉर्मली गिरते रहते हैं सर पर जाते रहते हैं अपने, लेकिन अनफा का हमने हमेशा बहुत ख्याल रखा, कभी इसको कुछ नहीं होने दिया। पहली बार इसके होंठ पे यहाँ पे ना थोड़ी सी चोट लग गई थी कल जब हमने वीडियो डाली ना, उसके बाद ही ऐसे हो गया इसके साथ,
लेकिन ये है कि आप लोग दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये देखें जरा मामा छिटके जाए। सुबह अनफा को जो है ना वैक्सीन लगनी है, एक इसको पहले लगी थी, एक अब इसकी सुबह की अपॉइंटमेंट है अर्ली मॉर्निंग। कितने बजे है बिलाल? 8:15 ना, 8:15 पे जाना है हमने। चले फिर निकलते हैं, 7 बजे चलो चले चलो चले डॉक्टर पास चले। चलें जी, आ चुके हैं हम लोग डॉक्टर के पास और ये रहे बिलाल। सांस चढ़ा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, बाहर पार्किंग ढूंढी भाग गया है क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 5-6 मिनट लेट हो गए हैं, हालांकि हम होते नहीं किसी टर्मिन पे। चलिए अब डॉक्टर से मिलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान वाला पार्सल लेने, है ना। बंद ना हो जाए, बंद हो जाना है। 6 बजे गए आज भी, क्या करें फिर, 6 बजे बंद हो जाना है। क्या पता हो गए थे, अभी 20 मिनट आए, 20 मिनट देखते हैं क्या होता है। चले फिर मिलते हैं आप लोगों से। बिलाल का तो ऐसे से एग्जाम होने लगा है। बिलाल सोच रहे मैंने क्या क्या कहना है, कुछ भी नहीं करना, पहली बार जर्मनी में डॉक्टर के पास आए। हाँ चले, इसके बाद दांतों वालों के पास जाना है, एक्सपीरियंस हो जाएगा हाउस आस्ट का। तो चलें जी घर वापस। ओए अनफा क्या कर रही है बच्चे? तो चलें जी घर वापस आ गए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी की, डॉक्टर को भी दिखाया और इसके अलावा हमने एक नई वैक्सीन लगवाई है जिससे चांसेस कम हो जाते हैं फ्लू के, जुकाम, नज़ला, जुकाम बुखार के। यहाँ पर देखें समीना जो है ना फटाफट से बर्गर रेडी कर रही है, अनफा यहाँ पर तंग आ रही है, आ आ करके आते ही हाथ धोए बस। निकलते ना बाहर से बंदा आके थोड़ा सही होता है, वो भी नहीं तंग करती है। शॉपिंग हम कर रहे हैं लेकिन अब पता चला है कि सुबह का नाश्ता है ही नहीं, वो भी लाना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी 7 बजे हैं, अभी 2 घंटे मैं ले आता हूँ। अब ऐसा करता हूँ मैं जल्दी जल्दी जाके सुबह के लिए नाश्ता ले आता हूँ, क्योंकि बर्गर में भी अंडा जाना है और सुबह ब्रेकफास्ट में भी अंडा ब्रेड नहीं है, तो लेके आना पड़ेगी अभी। उसमें सोचा कि मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं ये चिकन का कर लेती हूँ, कल के लिए जो बनाना उसको मैरिनेट करके रख देगी समीना। तंग ना करी मम्मा को, ठीक है, करेगी तंग मम्मा को, शर्मिंदा हुई है अभी नहीं बोल रही, डांट पड़ी है मेरे से, मम्मा को तंग करेगी अब। नहीं बच्चा है, वैसे हम प्यार से कह रहे हैं, डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, चलो आ जाओ अब ना करना। यहाँ पे जी बिलाल आ चुके हैं अंडे वगैरह लेके, फटाफट से ना मैंने शामी रख दी है, ठीक है 4 बर्गर बनेंगे यहाँ पे। एक फटाफट से मैंने चिकन को काट के छोटा छोटा पूरा सारा काम करके मैंने रख दिया, और ये भी बर्गर के लिए मैंने जो है ना थाई जो है ना वो स्टेक्स बनाए हैं। और ये देखें बिलाल भी आ चुके हुए हैं यहाँ पे, मैं आ गए अंडे ले, आप अंडे लेके आए हैं, और यहाँ पे जी अंडे लेने आए हो। हाँ और यहाँ पे जी बन रहा है जो इसके अंदर जो है ना सलाद वगैरह जाना है, और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ना और मायनीज जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ जल्दी जल्दी से हो गया है। बिलाल को शामी टिक्की इतने पसंद आए हैं ना, हमारे ख़त्म ही हो गए हैं ये यार। ये मैंने ना एक रेसिपी से बनाए हैं, इतनी जबरदस्त रेसिपी थी वो, बस एक टिप है, लेकिन वो हम आपको एक रेसिपी बताएंगे, एक छोटी सी बात है जो हर कोई गलती करता है। बिलाल ने मेरे से गलती करवाई हुई है। नहीं नहीं वो क्या? गलती छोड़ो, वो तो एक अलग बात है ना, हमने गरम गरम उसकी बना ली। हाँ। जिसके टेस्ट की बात करो उसकी बात करो। अच्छा, मुद्दे पर आओ सुनी ना, मुद्दे पे ये मुद्दा नहीं है, टेक्सचर तो टेक्सचर चेंज होते रहते हैं चीजों के। ये देखें जी ये सॉस बन गया इसका जबरदस्त सा, और ये बन जाए, ये यहाँ पे मैंने रखे हैं इनको सेक के, और फटाफट से हम बनाते हैं बर्गर, शामी बर्गर, अंडे वाला बर्गर। हाँ ये देखें जी बर्गर रख दिए हैं यहाँ पे, अंडा रख दिया मैंने साथ हम साथ, ये देखें, और हमारी अनफा जो है ना वो खेल रही है अपने टॉयज के साथ। ये ना जी बर्गर जो है ना यहाँ पे हमने अच्छे से सेक लिया, अब हमारे पास ये हॉट डॉग भी हैं, ठीक है, और यही शुक्र अल्लाह का। अब मैं इनको फटाफट से करने लगी हूँ असेंबल। समीना जो बात कर रही थी ना वो इसके टेक्सचर की कर रही थी, क्योंकि मैंने गर्मा गर्म ही इसको कहा था कि कबाब बना के रख लो टाइम काम में, तो बस बाकी मुद्दे की बात ये थी कि वो कोई मसाले वगैरह डालने का प्रोसेस, तरीका, टाइम वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक टेस्ट आता है। चले इंशाल्लाह मैं समीना को कहूँगा किसी एक वीडियो में आपको जरूर इसकी रेसिपी दे। ये देखें कैसे सेट हो गया, जी याद है ईद पर बर्गर लगते थे अंडे वाले, शामी बर्गर है ना, और ईद पे वो जमाना था। अच्छा
अक्सर लोग जो है ना मुझे मैसेज करते हैं कि हमने ना आपका एक नया रूप देखा है अब कि आप कुकिंग करती हैं। अच्छा। हाँ, कल मुझे बड़ा एक प्यारा लगा था कि अब अच्छा लगता है कि आप कुकिंग करके बिलाल को खिलाती हैं। पहले आप कुकिंग नहीं करती थी जब जर्मनी आती थी, उसकी वजह ये है कि मैं आती थोड़े दिनों के लिए थी, है ना? ऐसा ही है, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मैं आती थी। पहले जब मैं जर्मनी आया था, समीना बीमार थी, अनफा पैदा हुई हुई थी, फिर भी काफी चीजें पकाई थी समीना ने। असल में ऐसी बात है कि मैंने खाना ना हमेशा हमेशा बिलाल को मेरे हाथ का खाना पसंद आया है। जब भी मैंने बनाया ना बिलाल को पसंद आया। बाकी ये होता है हर एक का अपना हिसाब होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो नहीं पसंद आया वो भी मैंने बताया बड़े तरीके से। ये नहीं कि आप किसी को चीज पकानी नहीं आती आप उसको इंसल्ट कर दो उसके फेस पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मौका देना चाहिए, बताना चाहिए कि अच्छी चीज है, कितना फर्क है क्या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता समीना ने सब कुछ परफेक्ट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बनाती थी ना तो मतलब जाहिर हर एक अपना टेस्ट होता था, किसी को पसंद आता था किसी को नहीं। बिलाल खा लेते थे, अब ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। हाँ। और साफ भी है, सबसे बड़ी बात ये है सफाई का ख्याल रखती है समीना बहुत ज्यादा। मैं भी सफाई कॉन्शियस हूँ और समीना भी है, तो बड़ा मजा आता है फिर कुकिंग करके भी और खा के भी। अंडे का समीना क्या कह रही हो? नहीं वो उसकी रीजन यही होती है कि आपने जल्दी जल्दी उतारना होता है, लेकिन समीना को पसंद नहीं है ना अंडा कच्चा कच्चा, इसको पका के पसंद है तो फिर वो हार्ड ही होगा ना। क्या बात है, ओए होए 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 ओए होए 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 बचपन याद आ गया। बचपन ओहो बचपन याद आ गया समीना। चलो जी लाओ 20 रुपए। 20 रुपए का बर्गर? 20 रुपए का है। मैं 10 का भी देखा हुआ मैंने। हाँ। बहुत छोटा था ना तब। ये देखिए कितना जबरदस्त सा है। पाकिस्तान के जितने भी लोग जर्मनी रहते हैं वो ऐसे ही खाते होंगे। कमेंट करके बताएं कौन कौन जो है ना हॉट डॉग के शामी बर्गर बना के खाता है, जल्दी से बताएं। असल में बर्गर वो बन नहीं है, वो नाम इन्होंने दिया हुआ है ना वैसे ही, लेकिन होता यही है। हाँ होता यही है समीना, बन यही है पाकिस्तान का ही। सॉस बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से समीना, ये बानी है होट डॉग पे छोटे होते हैं कि नहीं? जो भी है बिलाल हमें तो मिल गया है ना। ये ले जी एक और जो है ना वो हमारा हो चुका है रेडी। ये देखें ठीक हो गया, इसको रखते हैं ऐसे तस्वीर उतारे। ये देखें जी इधर आए समीना ने क्या बनाया है। चलो जी मलकू पहलवान फटाफट करो। मलकू पहलवान अब ये किसी का नाम होगा बर्गर वाले। और आप लोग सोच रहे होंगे पार्सल तो दिखाया ही नहीं, वो पार्सल बताते हैं क्या हुआ उसका। पार्सल जो है ना जो पाकिस्तान से पार्सल आना था ना वो अब डिले हो गया, वो सुबह आएगा, लेकिन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए एंड तक देखें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इंस्टा को जरूर फॉलो करें, उधर आपको अपडेट मिलती है हम क्या कर रहे हैं। इस वीडियो की भी जब हम शूट कर रहे हैं ना अक्सर स्टोरीज अभी हम शूट कर रहे हैं ना अक्सर स्टोरीज इसके साथ जाती हैं। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बर्गर जो है ना रेडी हो चुके हैं। जबरदस्त लग रहे हैं ना। जबरदस्त वाह जी समीना ने आज क्या बना दिया, कमाल कर दिया। ये डबल अंडों वाला है बिलाल के लिए। हाँ डबल अंडे वाला बर्गर लगवाते थे है ना। हाँ, दो अंडे वाला बर्गर है वो महंगा होता था। हाँ ये मेरा है क्योंकि मुझे अंडा इतना नहीं पसंद ना। और ये भी मेरा है। चलो अपनी अपनी प्लेट पकड़ो। अल्लाह हाफिज़। कहाँ? इधर ही हो इधर ही हो। अच्छा जी साथ में पियेंगे क्या? पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अब बिलाल ने पहले बता देती मैं अंडे लेने गया था। अच्छी बात है नहीं है पानी पिए। ओह है तो सही टिन पड़ा है। हाँ वो भी ले आए पड़ा है उधर। ये लें जी बिलाल आपकी ये विश पूरी कर दी है मैंने। वाह जी वाह डबल अंडे वाला बर्गर। हाँ, वो भी गोल लंबा। खा के बताएं कैसा है। वाह मजा आ गया। मजे का चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं वेलकम वेलकम। आपको भी मैं मौका दूंगी किसी दिन, कमेंट करके बताएं बिलाल के से कुकिंग करवानी चाहिए मुझे कि नहीं। जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल। और क्या पकाना चाहिए भी बता दें। हाँ जरूर। चलें बिलाल आप खाएं एंजॉय करें। पहले मैं सीखूंगा।
यूट्यूब से, फिर वो कुकिंग, फिर वो रेसिपी बनाऊंगा, फिर स्मीना को खिलाऊंगा। चलें सही है। चलें जी, अब मैं भी खाती हूँ और ये मेरा बच्चा भी आ गया, ये भी साथ में खाएगा, है ना। ये लुन्फा, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है और बस अब हम लोग जा रहे हैं अनफा की अपॉइंटमेंट पे, और साथ में ना वापसी पे अपना पार्सल भी ले आएंगे। तो बस बिलाल यहाँ पे रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। जूस पी लें और जूस पी लेते हैं, निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, हमारी है सर्दी है ना, इस टाइम स्मीना कॉफी पीनी चाहिए, जूस नहीं। 8:15 पे हमारी अपॉइंटमेंट है और अनफा ये देखे, ये देखें जी अनफा आप और पीलो, आप पीलो पीलो। अनफा को जैकेट पहनाते हैं और बस फिर निकलते हैं। बहुत नींद आई है, कल भी हमारी अपॉइंटमेंट है, आज भी है और कल भी थी, कल भी थी ना, कल भी थी, तो बस निकलते हैं। अब बारी है जी पार्सल खोलने की। हाँ जी, लेकिन एक हमारे साथ हो गया है हाथ। हाथ क्या हो गया वो आप लोगों को बिलाल बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पार्सल भी दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज अगला दिन है तो पार्सल हमारा आ गया है, लेकिन लेकिन ये छोटा पार्सल आया, बड़ा पार्सल फंस गया। अब पता नहीं कैसे निकलेगा। हम लोग गए थे गाड़ी में डिग्गी में जगह बना के, हमने सोचा बड़ा वाला भी आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास ना DHL की वो पर्ची छोड़ गए थे कि आपका पार्सल ना फलां जगह पड़ा हुआ है। हम लोग को लगा हमारे दोनों पार्सल आ गए। अब ये जो है ना, ये आ गया हमारा, दूसरा वाला कोई नहीं आया। इंशाल्लाह जब वो भी आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन हम गए, मैंने जाके कहा कि हाँ जी मेरा पार्सल, तो उन्होंने मुझे ये पकड़ाया, मैं मुंह देखती रह गई। मैंने कहा है दूसरा वाला कहाँ पे रह गया। हाँ जी बिलाल, फिर क्या करें, चले खोले। मैं कह रही हूँ क्या फायदा इसमें दिखा के, इसमें दो तीन चीजें हैं बस, चलें अब खोलते हैं ना, जो भी आ दिखाते हैं लोगों को। ओके ओके ओके, चले जी कैंची लेके आते हैं। और यहाँ पे मैं आज फिर बनाने लगी हूँ शामी कबाब, क्योंकि बिलाल को लास्ट टाइम इतने पसंद आए थे ना, कहते हैं कि अब दोबारा बनाओ क्योंकि वो खत्म हो गए थे। हैं बस शामी कबाब बन गए, मजे मजा। ये देखो इससे मिलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी अनफा को मामा ने शावर दिलवाया है और अनफा भी माशाल्लाह गोलो गोलो मोलो लग रही है मेरी। अच्छा क्या लेके आऊं, कैंची लेके आऊं, क्या लेके आऊं। ये देखें कैसे ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने रखा हुआ। और ये सुबह ना मेरा ना हाथ यहाँ पे जल गया था, छाला बन गया। और अम्मी मैं सब कुछ कर लिया, हम लोगों ने आज नहीं थी भिंडी चिकन खा ली है, रोटी भी खा ली है, चाय भी पी ली है। अब मैंने बनाने हैं शामी कबाब और सुबह उसको फिर टिक्कियां बनाएंगे इसकी, है ना। चलें जी आओ खोलें, फिर देखें इसके अंदर क्या है, मिनी पार्सल के अंदर। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ बड़ा बड़ा पार्सल शेयर करूंगी, इसके अंदर क्या आया वो दिखाऊंगी। अब इसके अंदर है जी, मुझे लग रहा है जो मैं सोच रही हूँ वही है, तो यही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसको खोलते हैं, बिलाल अभी गए हैं, बिलाल आ जाए, सारे पार्सल बिलाल खोलते हैं, मुझे खोलने ही नहीं देते कुछ। आज पापा के साथ आप भी पार्सल खोलो हैं। ये देखें जी, ये आए हैं मेरे लिए पाकिस्तान से कपड़े, दिखाएं। ये लो जी, ये निकला शॉपर, वाह 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 जी, क्या है ये देखें। हाँ लाइ मैं दिखाती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी चीज है तो मैं दिखाती हूँ। दूसरे पार्सल में आपका बहुत सारा सामान था, दूसरे पार्सल में ना हमारे वो सारी चीजें थी जो हमने पाकिस्तान छोड़ के आए थे ना, जो मामा के पास मतलब रखवाई थी, क्योंकि जगह का मसला था कि वहां से एयरपोर्ट से नहीं आ सका था, वो हम लोगों ने पार्सल करवाया था और वो आना था लेकिन नहीं आ सका। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे लिए ये क्या आया है। ये ले मिलाल, चलिए जी देखते हैं जी समीना का क्या आया है, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, क्या भेजा है, सारा कुछ देखते हैं। जी, मेरे लिए तो खास है, स्पेशल मतलब डायरेक्ट पाकिस्तान से आया है तो मेरे लिए तो बहुत खास है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे लिए आए हैं कॉर्ड सेट, ठीक है। और ये देखें इस तरह से, ये देखें जी, ये आए हैं मेरे लिए सर्दियों का तोहफा कॉर्ड सेट, और इसके साथ ये वाला जो है ना, ये है इसका ट्राउजर। वाओ क्या बात है, देखें बर्फ में सही काम करेगा। हाँ बल्कि मैं आप लोगों को भी पहन के भी दिखाऊंगी। अच्छा ये जो है ना, बहुत ही प्यारी एक है मेरी बहन, जिन्होंने ना मुझे स्पेशल जो है गिफ्ट भेजा है,
गिफ्ट तो नहीं भेजा, मतलब उन्होंने कहा कि आपने पहले भी हमारा जो है एक पहना था, टर्की से आया था, तो इस बार भी आप सर्दियों में भी हमारा पहने जो है ना आपको और सेट, तो सर्दियों के लिए हमारे पास आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पाकिस्तान से वो भेज रही थी। अच्छा, मैंने उनसे कहा मैं तो पाकिस्तान हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको किसी तरीके से भिजवा दूंगी। तो ये देखें जी, उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए जो है ना भेजा है। तो ये दो तरह के हैं, ये भी देखें, ट्राउजर चेक करें आप लोग, इस तरह से बना हुआ है सर्दियों में ना। बिलाल ये पहनेंगे, कुछ और पहनने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल है ना, ये बस थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं पहनूंगी तो शायद, लेकिन ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये देखें कैसी लगूंगी, माशाल्लाह है ना, प्यारी लगूंगी ना। ये देखें जी, ये आए हैं मेरे दो कॉर्ड सेट पाकिस्तान से डायरेक्ट, और मुझे बड़ी ज्यादा खुशी थी। मैंने कहा था हाय क्या आएगा क्या आएगा, तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। अभी मैं आप लोगों को ना ये पहन के भी दिखाती हूँ। सुमिना मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ, मैं समझा था पता नहीं छोटे से पार्सल में क्या निकलेगा, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीजें निकल गई हैं। माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि जैसे सुमिना के साइज का ही सिला हुआ है। वाओ माशाल्लाह, बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ क्या आला क्वालिटी है, कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। फुल लुक मेरी दिखा दे, आज मेरी फुल लुक दिखाई दे। अनफा के लिए मम्मा मुझे डालो, मम्मा आप क्या को पहन रही हो, मम्मा मुझे भी डालो। स्मिना ये कपड़े में कहता हूँ बेस्ट है यूरोप में पहनने के लिए। हाँ। एक तो फैशन ही भी, ऊपर से गरम भी। मैं तो ना मतलब मैं ना हैरान हो गई हूँ, इतनी फाइन क्वालिटी। मैं कहती हूँ ट्राउजर जो है ना बिलाल पास करके जरूर दिखाएं, ये देखें बहुत प्यारा है। और अब मैं आप लोगों को ना इनका लिंक जो है, जैसे होता है ना इंसान को कोई चीज बहुत अच्छी लगे, अच्छा ये कोई प्रमोशन नहीं, ना मैंने उनसे इस चीज के पैसे लिए हैं, नहीं लिए मैंने, बस उन्होंने मुझे प्यार से भेजा है। तो अब मैं आप लोगों को इनका जरूर बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे आना है, वहां पे मैं इसकी पिक्चर लगाऊंगी और उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने ये कहाँ से मंगवाया है। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये पहन के ना मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है, क्योंकि ये कपड़े मुझे बहुत पसंद आए हैं, है ना। मुझे भी बहुत पसंद आए, बहुत पसंद। ये उन्होंने भेजे हैं जो ब्राउन सा मैं पहनती थी, जो आप लोग मुझसे पूछते थे कहाँ से आपने लिया है। ये देखें, फिर थोड़ी सी मॉडलिंग कर ले, ये देखें जी आप, मैं चल के भी दिखा देती हूँ। आप दूसरा पहन क्या, बिलाल मेरी जो है ना फुल दिखाते हैं लुक के, मुझ पे कैसा लग रहा है। हाँ जी कैसा लग रहा है, ये सुमिना बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, जो पहला था ना वो जरा मैडम जो होती है ना, हाँ जी एक बड़ा स्टाइलिश था मैडम टाइप का, मैडम में होती हैं जो पहनते। ये बताए उसको 100 में से कितने नंबर देते हैं, और इसको मेरे पे कौन सा सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। दोनों ही, अगर कहीं बाहर जाना हो पहन के ऑफिस वगैरह, फिर वो वाला, अगर घर में बैठना हो या वैसे ही फैमिली मेहमान आए, हाँ मेहमान आए या फैमिली के साथ जाना हो, फिर ये वाला। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से पाकिस्तान से आया है मेरा पार्सल पहला। अब दूसरे पार्सल का जी वेट करेंगे, वो कब आता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जबरदस्त कमाल वीडियो आने वाली है। तो बस इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस जो है ना बड़ी कमाल की होने वाली हैं, तो आपने रहना है स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा को फॉलो कर लें। आपको इंस्टा पर वो बातें जानने का मौका मिलता है जो आप इस वीडियो में नहीं जान सकते, यहाँ बताते नहीं है। तो इंस्टा पर लाइव रहते हैं, मतलब इंस्टा पर स्टोरीज वगैरह सुमिना लगाती रहती है। ये होता है कि आजकल स्टोरीज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो बातें इंस्टाग्राम पे मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तीन चार दिन पहले से, तो इंस्टा पर हमने 7 अपडेट कर दिया इन कपड़ों की, ठीक है। इसलिए फायदा इंस्टा फॉलो कर लें, आपको आईडी नजर आ रहा होगा सुमिना बिलाल ऑफिशियल। और बस अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्या होगी देखते हैं, क्या हमारी लाइफ में चलेगा वो आपको दिखाएंगे। बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि चीजें तो हमारे माइंड में है ना कि क्या क्या होगी। बिल्कुल, तो चले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।